नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर साहेबगंज जिले के बरहेट स्थित भोगनाडी में एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर है जो मंगलवार को हुआ। दो घंटे के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा क्षेत्र में कई तरह की कार्यक्रमों की घोषणा की, साथ ही आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में लोगों को जागरूक करते हुए इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाने का लोगों से आग्रह किया। अपने हिंदी एवं संथाली भाषा के संबोधन के दौरान उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आपके लिए आयोजित किया गया है, जिसका मकसद लोगों के समस्याओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए किया गया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ है, वे रोजगार करें, उनको हर तरह की सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। उन्होंने कुछ कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि कुछ कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार से जुड़ने के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय वे कर सकते हैं, मछली पालन जैसे व्यवसाय वे कर सकते हैं, और इसके माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को भी वे सुधार सकते हैं। उन्होंने भोगनाडी पहुंचने पर सर्वप्रथम महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद सिद्धो कान्हू के प्रतिमा पर पहले तो माल्यार्पण किया, इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने सरकार की योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी की। कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी, साथ ही राज्य के गृह सचिव राजीव अरुण निक्का ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनका भव्य स्वागत भोगनाडी में किया गया। उपायुक्त ने अपने संबोधन में क्या कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए चलते हैं भोगनाडी और सुनते हैं मुख्यमंत्री को वहाँ पर उन्होंने आखिर संबोधन में क्या कहा। नहीं रहेगा, साल में दो बार
जरूरतमंदों को 10 रुपया में धोती साड़ी और लुंगी। हम लोग मछली लाते हैं दूसरे राज्यों से, आज खुशी भी हमें कि यहाँ मछली उत्पादन को लेकर काफी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। एक महिला यहाँ पर मछली का दाना बनाने का फैक्ट्री खोलने जा रही है। निश्चित रूप से हमारे पास तालाब है, हमारे पास नदी है, हमारे पास बड़े बड़े जलाशय हैं। आप लोग मछली पालन का काम कीजिए, क्यों हम दूसरे राज्यों से मछली लाएंगे? हम लोग का दूसरा राज्य से मछली सब आता है, वो सब मछली बहुत खतरनाक है बता देते हैं। आजकल पैसे के लालच में उन लोग आजकल वो मरा हुआ मछली पर, जो आदमी सब मर जाता है, मरने के बाद उसके ऊपर एक लेप लगाया जाता है, वही लेप लगा करके बेच देता है ताकि हम लोग को ताजा मछली दिखाई देने लगे। आप लोग अपना मछली उत्पादन कीजिए, क्यों कहां से उल्टा पुटला चीज ला करके खाएंगे? आज हमारी महिला समूह द्वारा प्लास ब्रांड को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। हमने भी उसको इस राज्य का एक व्यवसायिक मॉडल बनाने का निर्णय लिया। उस महिला उस प्लास ब्रांड के अंदर महिला समूह चावल, दाल, तेल, मसाला, आलू, प्याज, इन सब का उत्पादन करके उसमें बेचती है। और हमने निर्णय लिया है कि आने वाले 1 साल के अंदर 1,500 करोड़ रुपए का आमदनी वाला इस ब्रांड को खड़ा कर देगा। इसके लिए महिला समूहों को आगे आना पड़ेगा। आपे है अयु तपया उना योजना रे सेलेत अयु तपया, आपे दाल बिना पे, चावले बिना पे, सुनूम बिना पे, मसाला बिना पे, आलू बिना पे, प्याज बिना पे, सदा सरकारें हथा वाले ये पे करें। आज जिला प्रशासन को ये निर्देश दिया गया, जहां भी सरकारी खाद्य की आवश्यकता होती है, चाहे वो जेल में हो, चाहे और अन्य जगहों पर, अन्य परिसर में, उन सभी जगहों पर प्लास ब्रांड का ही खाद्यान्न का उपयोग किया जाएगा। इसलिए आय मालिकान होते आपे अपना जंगार तिंगू लगे इन चेस्टाएदा। हमारा प्रयास है कि यहां घर घर में महिला, पुरुष, नौजवान अपना अपना कामों में लगे रहे, उन सबको सरकार के एक हिस्से के रूप में काम करने का हमारा उद्देश्य है कि इनको हम अपना हिस्सा बनाएं। और आज सरकार आपके द्वार के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही संदेश है कि जहां तक सरकार की आवाज और नजरें नहीं पहुंची थी, जहां लोग हमेशा ये शिकायत करते थे पता नहीं क्या सरकार कर रहा है, नहीं कर रहा, सरकार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये आपको दिखाने के लिए आपके पंचायत में हम सरकार को पहुंचा दिए हैं, आपके गांव में पहुंचा दिए हैं। अब आप आइए, आपका हाथ दीजिए, सरकार आपको साथ ले जाने के लिए तैयार है। कई एक चीजें, बिजली, सड़क, पानी, उस पर तो अलग से ही काम चल रहा है। अभी पटना ब्लॉक का ग्रिड का उद्घाटन यहां से होने जा रहा है। अभी जंगली क्षेत्र में अंधकार अंधकार स्थिति हमेशा, आज परेड में ग्रिड का काम चल रहा है, बहुत जल्द वो ग्रिड भी कंप्लीट होगा और पूरे साहिबगंज जिले में 24 घंटा बिजली रखने का हमारा ये वादा है, निर्बाधित बिजली रहे ताकि हमारा बाल बच्चे से लेकर खेती बाड़ी तक में हमको सहूलियत हो। बड़े बड़े सिंचाई परियोजनाओं को हम लोगों ने नए तरीके से काम करने का निर्णय लिया है। जो योजना 40 साल 50 साल तक नहीं पूरा हुआ और न पूरा होता क्योंकि पूरा करने का इच्छा शक्ति नहीं था,
और अभी आप लोग देखिएगा तूफानी बराज जो हम लोग बरसों से देख रहे हैं पानी वहां पर खड़ा है, उसका खेती में एक लोटा पानी काम नहीं आता था। अभी बहुत जल्द उस पानी को हम लाखों एकड़ जमीन में खेती के लिए पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके का मसान जो डैम पानी पड़ा हुआ है, सुंदर डैम पानी पड़ा हुआ है, जैसे तैसे अपने से पानी जा रहा है, लोग अपना काम कर रहे हैं। उन्हीं सभी चीजों पर हम लोग बड़े पैमाने पर और तेजी से आप देखेंगे कि किस तरीके से इस संथाल परगना को हरा भरा करने का हमारा संकल्प है जो आपको दिखेगा। इसलिए बहुत सारी बातें हैं अभी और भी हमें आगे जाना है। हम बस ये देखने आए हैं कि कार्यक्रमों में आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है कि नहीं। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत आयोजित मोंगनाडी पंचायत में इस कार्यक्रम में उपस्थित सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद जी, मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा जी, स्टेज पर उपस्थित तमाम वरीय पदाधिकारी, मीडियागण और इस पंचायत और इस प्रखंड से दूर दूर से आए सभी नागरिकगण, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 15 नवंबर 2021 के दिन खूंटी जिले के उलिहातू से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम का आह्वान किया था। वो जानना चाहते थे कि जो लोकप्रिय योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक मिल रहा है या नहीं, तथा सभी को उसकी जानकारी है या नहीं। इसके लिए उन्होंने पूरे प्रशासन को यह निर्देश दिया कि हरेक पंचायत में पंचायत द्वारा आप कैंप लगाइए और उस कैंप के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को आप बताइए। साथ ही साथ जो लोग उसके लिए एलिजिबल है उन्हें उन योजनाओं का लाभ उस कैंप के माध्यम से वृद्ध स्तर पर दिया जाए, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोविड के समय हम यानी कि प्रशासन जनता तक पहुंच नहीं पाया था। तो ये कार्यक्रम हम लोगों ने 16 नवंबर से हम लोगों ने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से योजना बनाकर पूरी इस जिले की 163 पंचायतें, साथ ही साथ 3 जो नगर पंचायतें हैं, नगर परिषद है, वो सब में हम लोगों ने 16 नवंबर से शुरू किया है। पूरी 163 पंचायतें 28 दिसंबर तक हम कवर करने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को हम ये सूचित करना चाहते हैं कि कल तक हम लोगों ने लगभग 77 पंचायतों में ये कार्यक्रम अब तक किए हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि हमें लगभग 20,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सर, हम लोगों ने लगभग 12,000 कम्प्लेंट्स को यथासंभव उसी कैंप में अथवा 1-2 दिन में उनका निष्पादन कर दिया है। साथ ही साथ जितनी भी कम्प्लेंट्स हमको आ रही है 7 दिन के भीतर उन सभी को सह समय हम निष्पादन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आज इस मंच से धन्यवाद देता हूँ।